ऐसा कहा जाता है कि हम भविष्य नहीं देख सकते, और ये बात बिल्कुल सच है, मगर पर्यावरण का भविष्य हम देख सकते हैं। साल 2022 मार्च का महीना 122 साल के इतिहास में मार्च का महीना सबसे गर्म था। कहीं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लैंडफिल्स में आग लग रहे हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यावरण का भविष्य खतरे में है। अगर पर्यावरण को किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट, और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, और इसके बैन होते ही कई सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें से एक है बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट। बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, मार्केट में इजिली अवेलेबल है, जिसके कारण इसकी मार्केट में डिमांड लगातार बनी रहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज IID के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से बैम्बू ग्रैनुल्स की मदद से स्पून को बनाया जाता है। अक्सर जब हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक स्पून का उपयोग करते हैं, खाना खाने के बाद उस चम्मच को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने सालों के बाद जाके डिकम्पोज होगा, और सिंगल यूज प्लास्टिक चम्मचों का हमारे हेल्थ पे एक निगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो उसका सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है बैम्बू ग्रैनुल्स स्पून, जो कि इको फ्रेंडली भी है और हमारे हेल्थ पे उसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अंदर यूनिट में चलते हैं और जानते हैं किस प्रकार से बैम्बू ग्रैनुल स्पून को बनाया जाता है। मेरा नाम है रंजीत कुमार प्रधान। मैं फिनिक्स टूलिंग, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रोप्राइटर हूँ, और यहाँ पे हम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड्स बनाते हैं और प्लास्टिक कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ डिज़ाइन सर्विसेज भी हम देते हैं इन द फील्ड ऑफ टूल एंड डाइस। हम बैम्बू बेस्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जो हम वहाँ से प्रोक्योर करते हैं, और उसके बाद हम उसको इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से यूज करके प्लास्टिक पार्ट्स निकालते हैं। देखिए, ये ग्रैनुल फॉर्म में आता है, जो प्लास्टिक बैग्स में आपको ज़्यादातर 25 किलो की बैग में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। वो हम बाहर से जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर हैं उनसे हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे हमारे यहाँ पहुँच जाता है, पर्टिकुलरली इसके लिए हमें कोई हीटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है इनिशियली। जैसे यूजुअली नॉर्मल प्लास्टिक्स में क्या होता है कि कभी कभी हमें प्री हीटिंग करनी पड़ती है उससे मॉइस्चर्स वगैरह निकालने के लिए, बट पर्टिकुलरली ये बैम्बू बेस्ड प्लास्टिक के लिए वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, जो अपना हॉपर है, हॉपर में हम इस मटेरियल को डायरेक्ट डालते हैं। फिर इसकी प्रोसेसिंग टेम्परेचर अराउंड 170-180 डिग्री सेट करी जाती है, एंड धीरे धीरे वो क्या होता है, वो प्लास्टिक मटेरियल जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जाता है तो देर इज ए स्क्रू बैरल कॉन्सेप्ट, जिसमें ये प्लास्टिक ग्रैनुल्स धीरे धीरे वहाँ पे मेल्ट होके मशीन से आगे आपकी सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलता है। एंड हम एक इंजेक्शन मोल्डिंग में हम प्लास्टिक मतलब स्पून का जो मोल्ड है वो वहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से मोल्ड पहले से बना के रखते हैं, जो मशीन में फिट होता है। एंड जब हम इसको साइकिल रन करते हैं तो हम रिपीटेड शॉट्स इसमें निकालते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमें एक इंजेक्शन मोल्ड बनानी पड़ती है, जिस शेप की हमें प्लास्टिक शेप चाहिए, स्पून की शेप चाहिए, उस शेप की हमें मोल्ड बनानी पड़ती है। और मोल्ड जो है हम कितने कैविटीज़ के बनाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना निकल के आएगा। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा निकालनी है तो आपको बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कम नंबर ऑफ स्पून्स निकालनी है तो आपके छोटी मशीन पे भी ये काम हो जाएगा। तो इस मतलब इसमें आपको मशीन के साइज के हिसाब से आपको मोल्ड का साइज भी उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। मशीन से क्या होता है कि जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग करके उसको निकालते हैं, इमीडिएटली हम उसके जो रनर गेट्स होते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअली जिसको हम फीड सिस्टम बोलते हैं,
वो उससे मैनुअली डिगेट कर देते हैं और जो फाइनल जो स्पून है उसको इमिडिएटली हम फिर पैकेजिंग पॉलीथीन के अंदर हम उसको पैक कर देते हैं एंड देन जो भी हमारे आगे जिसको भी डिस्पैच करना होता है देन डिस्पैच टीम टेक्स केयर ऑफ दैट एंड उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए अगर आप एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे चलाना चाहेंगे तो आपको लगभग टू बिगिन विथ 5-6 लोगों से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मशीन पे वो डिपेंड करेगा आप मशीन 24 घंटा चलाना चाहते हैं या 12 घंटा चलाना चाहते हैं। अगर आपको दिन रात चलाना है तो आपको दोनों शिफ्ट में ऑपरेटर्स रखने पड़ेंगे एंड एक सुपरवाइजर रहेगा, फिर आपका पैकेजिंग के लिए टीम रहेंगे, तो तकरीबन 5-6 लोग से आप एक मशीन पे आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए ये जो हम एक 100 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात कर रहे हैं, लगभग हमें 20 किलोवाट की अगर सप्लाई है तो हम उसमें चालू कर सकते हैं। अब अगर आप एक मशीन से स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपको 200 स्क्वायर मीटर की जगह जो है सफिशिएंट होगा क्योंकि मशीन तो उतनी जगह नहीं लेगी, लेकिन आप जब निकालेंगे उसकी रॉ मटेरियल स्टोरेज एंड पैकेजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो 200 स्क्वायर मीटर जगह सफिशिएंट है एक मशीन के लिए। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी है और आप आगे और मशीन लगाएंगे तो सब्सिक्वेंटली फिर आपको उसी हिसाब से जगह की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये तो कोई पॉल्यूटिंग चीज़ है नहीं, तो बेसिक जो मिनिमम स्टार्ट करने के लिए आपको एक GST नंबर लेना होगा, आधार वो लेना होगा, आपको आधार उद्यम लेना होगा एंड आई थिंक इस दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे बैन हो गए हैं तो आने वाले टाइम में बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स की ही डिमांड रहेगी और धीरे धीरे जो हमें लग रहा है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक कम्प्लीटली मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, तब इनकी डिमांड डेफिनेटली काफ़ी बढ़ेंगे। अभी ऑलरेडी बैन हो चुका है लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है प्रोबेबली वो धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे, तो 5-6 महीने में इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी आएगी ऐसा हमें उम्मीद है। मशीनरी एंड उसकी एक्सेसरीज अराउंड हम ये कह सकते हैं कि 25 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिनिमम एक आपको चाहिए होंगे। हमारे देश में स्किल की ज़रूरत है, स्किल की एब्सेंस है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसमें काफ़ी आने वाले समय में डिमांड रहेगा, उछाल रहेगी, तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा समय दें जिस चीज़ को भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कुछ ईयर्स लग जाते हैं उसकी एक्सपर्टीज़ लाने के लिए, तो कंटिन्यूस उस पर करें, लंबे समय तक काम करें एंड डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाले समय में आ रहे हैं, तो दे शुड स्टिक टू इट एंड ट्राई देयर बेस्ट। देखिए IID काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, वो हर तरह से जितनी हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट और ये गुड वर्क को आप आगे बनाए रखें। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से बैम्बू ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल करके स्पून को बनाया जा रहा है एंड आई एम श्योर कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।